आप कहोगे साहब ये तो पुराने नियम की बात, पुराना और नए नियम की बात नहीं, ये भविष्यवक्ता की बात है। कौन भविष्यवक्ता? मलाकी भविष्यवक्ता की बात है। और भविष्यवक्ता कोई भी भविष्यवाणी करता है या कोई भी वचन परमेश्वर उसको देता है तो वो भविष्य तक के लिए होता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं दशवांश के विषय में। ये दशवांश का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने दशवांश की बहुत सी बातों में सीखा था कि प्रभु जो है दशवांश उसने अपने सेवकों के लिए जो 24 घंटे सेवकाई करते हैं निर्धारित किया है। और यदि कोई अपना दशवांश नहीं देता है तो परमेश्वर का वचन कहता बताता है कि उसका भवन जो है वो उजाड़ पड़ा है और किस तरीके से जो है परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स जो है वो बंद करके रखी है। मैं एक बार फिर से उस पद को रिपीट कर देना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, हागे की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9-10 पद तक। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुमने, आप लोगों ने बहुत से उपज की यानी कमाई की आशा करी और वो कमाई आपको मिली भी, आप ले भी आए, परंतु परमेश्वर कहता है जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उड़ा दिया। उड़ा देने का मतलब है कि कोई दुख मुसीबत में चली गई आपकी कमाई, कर्जे में चली गई आपकी कमाई, बीमारी में चली गई आपकी कमाई, फालतू बातों में आपकी कमाई चली गई, कोई आपकी कमाई चुरा ले गया, कहीं आपकी कमाई गिर गई। आपने वो कमाई जो है जो भी आप घर ले आए उसको बीड़ी सिगरेट शराब में उड़ा दी, किसी और फालतू व्यर्थ के कामों में बातों में उड़ा दी, इधर उधर जाने में आपने उड़ा दी। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो कहता है क्या मेरा भवन उजाड़ नहीं है? उजाड़ का मतलब उसके भवन में किसी भी प्रकार की कोई भोजन वस्तु नहीं। अब आप कहोगे भैया प्रभु को क्या खाने पीने की आवश्यकता है? यहां प्रभु के खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। यहां परमेश्वर ने जो नियम करा है, निर्धारित किया है, पहले भी मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर ने पवित्र तंबू बनाया, पवित्र मंदिर बनाया, तो उस पवित्र मंदिर की 24 घंटे लेवी लोग जो सेवा करते थे उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वो पवित्र मंदिर में से ही जो कमाई दशवांश और ऑफरिंग्स वगैरह आती थी उससे उनका परिवार का पालन पोषण चलता था और वो जो है उनके लिए होता था। और आज भी ये सिस्टम है, आज भी बहुत से ऐसे सेवक हैं जो कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं और वो कमाई का, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे भवन में भोजन वस्तु नहीं। यानी मेरे जो सेवक लोग हैं वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके परिवार के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके उन सेवकों की जो सेवक लोग हैं उनके परिवार की जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है, मगर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने दशवांश देना बंद कर दिया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि हर एक कोई अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है। अपने अपने घर की ओर दौड़ा चले जाने का मतलब यानी अपने घर के बंदोबस्त में लगा हुआ है, अपने घर की सुख सुविधा को बटोरने में लगा है। जो प्रभु के सेवक है, जो आकर एक सही वचन को सुना रहे हैं, सही वचन की सेवकाई कर रहे हैं, उस वचन के द्वारा आपकी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, उनके उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उनके घर के लिए के बारे में कोई नहीं सोच रहा जो उजाड़ पड़ा हुआ है। और इसलिए वो कह रहा है कि आकाश से ओस गिरना यानी आकाश की स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को उसने बंद कर दिया उन लोगों के लिए जो अपना दशवांश या अदर्स ऑफरिंग नहीं दे रहे, और पृथ्वी से भी अन्न उपजाना जो है वो बंद हो गया। पर कह रहा पृथ्वी की भी जो ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मैंने बंद कर दिए। देखिए स्थिति क्या है, यहां पर इन चीजों को समझना है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर मैं बताना चाहूंगा मलाकी, पिछली बार भी बताया था मलाकी 3:8-9 पद में कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा कर, परमेश्वर के लुटेरे हैं, परमेश्वर की चोरी कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के लुटेरे हैं, परमेश्वर की चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल साफ कह रहा है। अब आप कहोगे साहब ये तो पुराने नियम की बात है, पुराना और नए नियम की बात नहीं, ये भविष्यवक्ता की बात है।
कौन भविष्यवक्ता? मलाकी भविष्यवक्ता की बात है, और भविष्यवक्ता कोई भी भविष्यवाणी करता है या कोई भी वचन परमेश्वर उसको देता है तो वो भविष्य तक के लिए होता है। ये ध्यान रखें, अक्सर हम लोग कहते हैं ये तो व्यवस्था की बात है, व्यवस्था में खत्म हो गई। ये व्यवस्था की बातें नहीं है, ये भविष्यवक्ताओं की बात है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब आप मत्ती 5 अध्याय और उसका 17-18 पद पढ़ोगे, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और इसलिए तो उसने जब टैक्स की बात करी, जब टैक्स मांगा तो उसने पतरस को भेजा कि जा एक उस झील में चली जा, उस झील में बंसी डाल, वहां पर एक मछली होगी और उस मछली के मुंह को खोलना और उसमें एक सिक्का होगा और वो सिक्का लेकर जो है तू सरकार को जाकर अपना और मेरा जो है हम सब का टैक्स जो है वो जमा कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है यानी जो सरकार का है वो सरकार को दो। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए परमेश्वर ने जो अपने वचन में वायदा किया है, परमेश्वर का वायदा क्या है, मलाकी 3:10 में क्या लिखा हुआ है, मलाकी 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्यों रहे भवन में भोजन वस्तु? ताकि जो उस भवन से जो सेवकाई कर रहे हैं, जो सेवा कार्य में लिप्त हैं, जो और कहीं कमाई नहीं करते हैं, उस भवन में से वो खाने पाए। वो उनके लिए, वो उनकी कमाई है, वो निर्धारित की है परमेश्वर ने, वो उनका निज भाग है, और उस भाग पर अगर कोई भी हक जमाता है तो वो सेवक और उसके बीवी बच्चों के पेट पर लात मारता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और प्रभु के सेवक और उसके बीवी बच्चों के पेट पर अगर कोई लात मारेगा तो क्या परमेश्वर उसे छोड़ देगा? वो कहता है जो कोई दशमांश लेकर आता है, कहता है आसमान के झरोके खोल दूंगा। क्यों कहता है आसमान के झरोके खोल? ये भविष्यवक्ताओं का जो वचन है, और भविष्यवक्ताओं का कोई भी वचन जो होता है सिर्फ वर्तमान समय के लिए नहीं होता है बल्कि भविष्य तक के लिए होता है। इसलिए तो वो भविष्यवक्ता कहलाए जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर जो भविष्य तक के लिए अपना वचन अगर देता है तो वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा देता है ज्यादातर जो वचन उसने। वैसे तो सारा वचन जो है उस भविष्य तक के अंत समय तक के लिए निर्धारित होता है। ये तो हमने आपने बना लिया, जो चीज खत्म हो गई है, जो बलिदान खत्म हो गए हैं, जो व्यर्थ था, जिससे रीति रिवाज जो थे, परंपराएं जो थी, जो पर्व थे, वो खत्म हो गए। सब कुछ खत्म नहीं हुआ व्यवस्था में से। लोगों को यही नहीं पता कि व्यवस्था कितनी है। मैं अपने पिछले बहुत पहले बता चुका हूं कि व्यवस्था कितनी है। कम से कम कुछ नहीं 15 व्यवस्थाएं हैं। कौन सी खत्म हो गई? अब वो 15 व्यवस्थाएं हैं कौन सी, यही नहीं पता। नहीं किसी दिन फिर से इस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है। फिर क्या कहता है? लूका 10 अध्याय उसके 7 पद में जरा ध्यान दीजिएगा, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, या घर घर जाकर नहीं है कि आज इस घर में चले गए उसने 50 रुपए रख दिए, उस घर में चले गए उनने 100 रख दिए, उस घर में चले गए उसने रख दिए। बेचारा दिन भर वो घर घर में घूमता रहेगा, कहीं उसे कभी कदार तो 50 रुपए तक नसीब नहीं होते, 100 रुपए तक नसीब नहीं होते। मगर परमेश्वर कहता है कि जिस घर में रहो, जो योग हो उस घर में रहो, और उस घर के अंदर खाना पीना और आपकी मजदूरी उस घर में परमेश्वर ने निर्धारित करी है। मेरी निर्धारित, मेरी मजदूरी परमेश्वर ने आपके घर में निर्धारित करी है। अगर आप मेरी मजदूरी को रखे हुए हैं, आप मेरी मजदूरी को नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर उस मजदूरी का हिसाब किताब आपसे ले लेगा। मगर ध्यान रखिए, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। और वो मजदूरी क्या है? जो सुसमाचार सेवकाई है, उस सेवकाई कार्य की जो मजदूरी है वो सेवक लोगों की होती है और वो मिलनी चाहिए। रोमियो 4:4 में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है।
ये मत सोचिए कि आप हमें दान दे रहे हैं, ये दान नहीं है बल्कि हमारा हक है जो परमेश्वर ने निर्धारित करा है, जो परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर ने अलग किया है आपकी कमाई में से। और वो कहता है कि जब तुम दोगे तो मैं आसमान के झरोखे खोलूंगा। कि चाबी तो आपके हाथ में है, खजाने की चाबी आपके हाथ में है, आप कैसे खोलते हैं, आप उस खजाने जिसमें खजाना बंद है उसको खोलते हैं या नहीं। और वो स्वर्गीय खजाना, वो कहता है आसमान के झरोखे खोल दूंगा। मगर दशवांश जब आप देते हैं, दशवांश रूपी जो चाबी है जिसकी है उसके हाथ में थमाते हैं, तो आसमान के झरोखे परमेश्वर आपके लिए खोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर कहता है पहले लोग सेवकों की सहायता कैसे करते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 45 पद में क्या लिखा हुआ है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। लोग क्या करते थे, लोग अपनी अपनी संपत्ति को, भूमि को और बहुत सी चीजों को प्रेरितों के पास, सोने चांदी की चीजों को और जाने क्या क्या चीजें लाकर बेचकर और पैसा उनके कदमों में रख देते थे, और जिनकी जितनी जरूरत होती थी वो उस जरूरत के मुताबिक अब बांट लिया करते थे, क्योंकि क्योंकि वो 24 घंटे से वचन की सेवकाई को सुनाने में लगे हुए हैं। और इसलिए वो कहते थे, वो ला के देते थे कि आपके बीवी बच्चे भूखे प्यासे ना रहें और आपको किसी चीज की कमी घटी ना रहे, आपका आना जाना जो है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर इधर उधर फिरते हैं वो सब आपको मिलता रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। प्रेरितों के काम 4:34-35 में क्या लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के कदमों पर रखते थे और जैसा जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब देखिए यहां पर क्या था, कोई दरिद्र नहीं था प्रभु का सेवक, परंतु आज दरिद्र बना चुके हैं। क्यों बना चुके, क्योंकि प्रभु बहुत से लोगों ने जो है प्रभु के सेवकों का हक मार दिया है, उनका दसवां अंश जो है वो छीन लिया है। और इसलिए जब हक मार दिया है तो प्रभु कैसे ब्लेसिंग्स देगा, किस तरीके से आशीष देगा। बहुत से लोग कहते हैं, कह रहे देखो प्रभु ने हमें गाड़ी दी है, हमें मोटर दी है, 4-व्हीलर हमारे पास आ गया, कोठी हमारे पास, ये सब प्रभु की आशीष है। प्रभु की आशीष, अगर ये सब प्रभु की आशीष है तो जो करोड़पति अरबपति हैं जिनके पास बहुतायत से है तो उनके पास तो और भी बहुत बड़ी आशीष है। ये गाड़ी और ये जो है ये प्रभु की आशीष नहीं है, आपने हक मार के ली है। आप दशवांश कितना दे रहे हैं तो कहां से आपके पास ब्लेसिंग्स आ गई। बहुत से लोग वीडियो डालते नहीं चमचमाती गाड़ी ली, ये ली, हक मार के लिया है। प्रभु के सेवकों का, प्रभु के बीवी बच्चों का हक मार के आपने वो चीज ली। प्रभु जो है खुश नहीं होता है। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, प्रेरितों के काम 11:29 में, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। अब यहां जरूरी नहीं है कि दशवांश नहीं लिखा तो दशवांश देने की नहीं, अब इतना सब कुछ कर रहे हैं, दशवांश तो दे रहे हैं, दशवांश से बढ़कर दे रहे हैं। बल्कि लोग यहां पर जो हैं, यहां जो पहले सेवकाई जब होती थी वो किस तरीके से दे रहे हैं, दशवांश से भी बढ़कर दे रहे हैं। फिर लिखा है हमारी जीविका है क्या, 1 कुरिन्थियों 9:14, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो, जो सुसमाचार सुनाते हैं। अब हम सुसमाचार सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, जो सुन रहा है वो सुसमाचार के द्वारा वो जो हमारी जीविका जो है, ये हमारी जीविका ये सुसमाचार है। हमारे बीवी बच्चों की जो जीविका है वो ये सुसमाचार है, इस सुसमाचार की मैं और मेरे बीवी बच्चे खाते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारे बीवी बच्चों का हक मारा जा रहा है। मैं वचन से बात कर रहा हूं, वचन से बाहर बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो भी बात होती है वह परमेश्वर के वचन से होती है। आप ये मत सोचिए कि मैं ये सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए बोल रहा हूं, ये मैं अपने परिवार के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन सारे सेवकों के लिए बोल रहा हूं जो 24 घंटे परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं और खड़े रहते हैं। उनके और उनके परिवार के लिए भी बोल रहा हूं कि उनका हक जो है आपने मार रखा है। उनका भी जो सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी जीविका जो है, उस सेवक की जीविका, उसके उनके बीवी बच्चों की जीविका जो है वो सुसमाचार की जीविका है,
सुसमाचार जो सुनाया जा रहा है और जो सुन रहे हैं उनको वो मजदूरी उनको देना है। ये सभी सेवक की बात है, ये ना सोचे कि मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए या अपने लिए कमाने की बात कर रहा हूं। नहीं, आप मुझे दें या ना दें, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे दें, मत दें आप मुझे, मगर जो सेवक हैं इस लायक उनको दें, जरूर दें। मैं आपसे अपने या अपने परिवार के लिए नहीं मांग रहा हूं और ना प्रभु मांग रहा है। ये मांगना नहीं है, हमारा हक है, उस परिवार का हक है, उन सेवकों का हक है, उनके परिवार का हक है जो उनको मिलना चाहिए। पहला कुरंतियों 9:13 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागीदार हैं। क्या है, बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन बिल्कुल चीख चीख के इस बात को कह रहा है, जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर की में से खाते हैं। कहां से, जब मंदिर में आएगा ही नहीं कुछ, वो कहता सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ, जब दशवांश उसके भंडार में उसके मंदिर में आएगा नहीं, जब ऑफरिंग उसके मंदिर में आएगी नहीं, तो कहां से सेवक लोग खाएंगे, कहां से सेवक लोगों के बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। हम फालतू कामों के लिए तो हजारों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु जब हमारा दान में हाथ जाएगा तो 5 रुपए 10 रुपए बहुत मुश्किल से 100 रुपए या 50 रुपए तक आते हैं, कहां से आएगा। परमेश्वर कहता है कि उस बढ़कर जो है मक्की दुनिया के लोगों ने बढ़ कर दिया था। और क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं गिनती 18:21-24 तक आप पढ़ सकते हैं। और आप ये माने यदि आप दशवांश ना देकर उन सेवकों का हक मारते हैं, आप उनकी और इसलिए जो दशवांश नहीं दे रहे हैं और सेवकों का हक मार रहे हैं उनकी कमाई पर भारी श्राप पड़ा है, इसलिए उनकी कमाई दिखाई नहीं देती, उनकी कमाई आती है, बहुत कमाते हैं, कई लोग परिवार में एक साथ कमाते हैं मगर फिर भी पैसा पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, इसलिए क्योंकि श्राप पड़ा, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों का है वो परमेश्वर को नहीं देते हैं, जो फुल टाइम सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, जो 24 घंटे सेवकाई में लगे हुए हैं, उनका हक ना मारे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनका हक ना मारे, जो उनका है उनको दीजिए, ताकि प्रभु की ब्लेसिंग्स आपकी कमाई पर आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, और जो प्रभु के सेवक हैं और उनका परिवार है उनका भी पालन पोषण जो है सुसमाचार की सेवकाई से होता रहे, जो आपके द्वारा निर्धारित प्रभु ने की है। प्रभु आप सबको आशीष दे।